बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है हम सबको, बिकॉज़ हमने इस ट्रॉफी को जीतने के लिए बहुत वेट किया, बहुत कोशिश की, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत रातें काली की, हम लोगों ने सोए नहीं है, आंखें काली हो गई है हम लोगों की, बट हम सोए नहीं स्टिल। बट फाइनली इन सब का फल हमको मिला है, ये ट्रॉफी हमको मिल चुकी है, जो DID की जो ट्रॉफी है हमको, ये ट्रॉफी मिल गई, सो इन सब का फल मिल गया हमको। सो हमारी जो मेहनत हमने की थी वो रंग लेकर आ गई, ऑल ओवर काली आंखों में सुनहरी चमक लेकर आ गई। फिनाले के दिन हमारे फैमिली को इनवाइट किया था GTV वालों ने, DID वालों ने, कि आप फिनाले में आओ, और वो लोग आए फिनाले में, हमारी परफॉर्मेंस उन्होंने लाइव देखी, और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उनके सामने डांस करने के लिए, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हमारी फैमिली ऑन स्क्रीन आने वाले थे, और वो भी हम उनका लाइव देखने वाले थे बहुत टाइम बाद, आफ्टर 5 मंथ, और वो भी हमको लाइव देखने वाले थे आफ्टर 5 मंथ। सो हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे, दोनों तरफ का प्यार था, बहुत एक्साइटेड थे, हमारे माता पिता भी आने वाले थे। और हम लोग काफ़ी बुश थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज हमारी सबकी माओ की दुआ हमारे साथ थी। बहुत अच्छा लगा उन सबसे मिलके। DID बैटल ऑफ द चैम्पियंस में हमारा जो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो मोमेंट था मूवीज़ का, जो बॉस्को सर ने हमको एक मूवी का ऑफर दिया कि आप अनरियल क्रू, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 6 जने पूरा अनरियल क्रू मेरे साथ काम करो और मेरी मूवी में मैन लीड पे परफॉर्म करो। सबसे बेस्ट मोमेंट हमारे लिए ये था, ये मोमेंट हमारे लिए अनबिलीवेबल था, बिकॉज हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों को मूवी ऑफर मिलेगी, हम कभी मूवी में आएंगे भी, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है उस मूवी के लिए, वो मूवी जल्दी आए और हम जल्दी उस मूवी में काम करें और इंडिया को हमारा एक बार फिर से जलवा दिखाए। हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था तेरी मिट्टी वाला, जो हमने अपने इंडिया के सोल्जर्स के लिए किया था, जो लोग शहीद हो चुके हैं, इंडिया के सोल्जर्स, अमर जवान, हमने उन शहीदों को डेडिकेट किया था ये हमारा परफॉर्मेंस तेरी मिट्टी सॉन्ग पे। काफ़ी हार्ट टचिंग था ये हमारे लिए भी, ऑल ओवर इंडिया के लिए भी, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी हमारा यही था।